उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। नैनीताल में झील का पानी माल रोड पर आ गया। ये देखिए तस्वीरें, ग्वाला नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल गिर गया है, साथ ही रेल की पटरियां भी उखड़ गई हैं। और वहीं बद्रीनाथ में सैलाब ने इस तरीके से कोहराम मचाया है कि वहां पर एक कार फंस गई। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवारों को बचा लिया और कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। कई रास्ते, मुख्य रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। उधर तबाही को लेकर पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात भी की है। आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा खतरा जो है इस वक्त लैंडस्लाइड का है। ये वो पहाड़ जहां से मुख्य रास्ते होकर गुजरते हैं, कौन सा पहाड़ कहां तरक जाए कुछ नहीं पता। और ये देखिए ग्वाला नदी, जहां पर ये कार फंसी हुई थी, बहती चली जा रही थी और कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर बीआरओ की टीम पहुंची, फिर जेसीबी मशीन से इस कार को बाहर निकाला गया। बड़ा हादसा हो सकता था। कार सवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जो जानकारी हमें मिल रही है। पानी की धार देखिए, बहाव देखिए, बारिश की वजह से किस तरह से नदी, नाले, नदियां उफान पर हैं और उस पर फंसी ये जिंदगियां, ये कार, ये व्हीकल्स और दूसरी तरफ दरकते पहाड़ जिंदगी मुसीबत में है। ये तस्वीरें देखकर कोई भी डर जाएगा। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से सरकार कई कदम भी उठा रखी है। चार धाम यात्रा रोक दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि आप बाहर ना निकलें। सैलानियों को रुकने की सलाह दी गई है कि आप इस तरीके से घूमने अब ना आएं, क्योंकि अभी वहां पर खतरा है सबसे बड़ा। कई पुल टूट गए हैं, देखिए तस्वीरें, पानी का इतना तेज बहाव, कैसे इस पानी को कोई रोक पाए। सैलाब में कई जिंदगियां फंसी हुई हैं, 3 लोगों की मौत की भी खबर है। और नैनीताल झील जो लोग घूमने गए हैं या तस्वीरों में देखा है, खबर मिल रही है कि उसका जो झील का पानी है माल रोड ऊपर बना हुआ है वहां तक पहुंच चुका है। अब आप सोचिए कि पानी का स्तर क्या है इस वक्त। और ये देखिए घरों में, दुकानों में, हर जगह इस वक्त पानी भरा हुआ है। सड़कें दूर दूर तक